उसका परिवार जब सामने आया तस्वीरें सारी चीज खाना पता है चल वो कुछ नहीं हो रहा अपने कुछ ले को रहा है ना फिर तक कुछ ले के तो यहाँ पे हमें कल रात को फोन आया कि आपका बच्चा दौड़ गया हुआ है। फिर उसके रात को हमें कोई 10:15 बजे फोन आया। फिर हमने कहा हम आ रहे हैं तो कहते नहीं नहीं आने की कोई जरूरत नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं। फिर भी कहा हमें तसली, हम लोग आ गए यहाँ पे। जब हम कोई 11:15 पे पहुंचे, हम यहाँ पे 11:15 पहुंचे हम यहाँ। फिर यहाँ आए तो उनसे बात की तो हमने फुटेज भी देखी। फुटेज में 7:45 बजे बच्चे सब थे। हाँ, फुटेज भी हमने बैठ के देखी। हमने कहा बच्चों को हम देखेंगे। फुटेज में थे बच्चे 7:45 बजे, 6:44 की हमने फुटेज देखी सुबह की, शाम की। हाँ, शाम की। फिर जब हास्य से बोलते बोलते फिर कहते हैं 15 बच्चे हैं, पहले दो फिर चार फिर 15 बच्चे बस। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ 1:30 बजे तक रहे, पीछे गए कहाँ कहाँ से गए सब कुछ, फिर आगे घर। फिर सुबह हमें कहाँ टिकाए, फिर हम लोग आ गए। हम यहाँ फिर आए सुबह इनसे कि तो बरार सब आ गए जो ओनर हैं, उनसे बात हुई। वो कहते हैं हम खुद टेंशन में, हम ऐसे से हैं तो हम ढूंढ रहे हैं। फिर हम लोग विजयपुर वहाँ पे पुलिस स्टेशन गए थे। इन मिनटा में ये भी सारे आए पुलिस स्टेशन वहाँ पे, वहाँ पे लिखवाया उन्होंने मिसिंग बच्चे का लिखवाया। तो हम फिर वापस गए थे। इन मिनटा में इन्होंने कहा कि कोई एक लड़का रोहित है, मोहित, जो सिटी में रहता है तो वो घर पहुंच गया हुआ है। तो फिर उन्होंने फिर थोड़ी बाद उनका घर से फोन आया कि मोहित हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी में है। फिर हम सब वहाँ पे चले गए, ये भी साथ में थे, हम भी गए वहाँ पे। तो हम अलग गए, वो अलग आए, पीछे से देखा वो भी आ गए सारे, क्योंकि उनको भी ठीक कहते हैं हमें भी टेंशन है बच्चों की सबकी। जब वहाँ पे पता लगा, वहाँ मीडिया में वो उनके पेरेंट्स थे, बच्चे के बहनें थी, वो आगे इंटरव्यू दे रहे थे। फिर जब उन्होंने हमें देखा, मैंने कहा हमारा भी बच्चा है। फिर वहाँ पे पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है, उसको पीर मीटर से पुलिस वालों ने उठाया है। तो अभी कोई फोन आया आपके? मेरे बच्चे का कोई फोन नहीं है, कोई फोन। पुलिस से क्या मांग करते हैं? हम तो ये कहते हैं मेरा बच्चा बस ढूंढ के दो, मेरा बच्चा बहुत शरीफ है, बहुत नेक। वही वो लड़कों से मेरी बात हुई, उनसे मैं बैठ के यहाँ पर तस्स लेके, मैं क्या मेरा बच्चा, कहते हैं आंटी आपका तेजस्वी इतना शरीफ। वो उन लड़के वो आए, उन्होंने ग्रुप बनाए, इनको भी बच्चों को साथ में कुछ नहीं, नेचुरली हर बच्चा चाहता है हम निकले बाहर। मिलने देते ही नहीं थे, मिलने नहीं देते। हाँ, एक बार इसने कहीं से किसी को मैसेज जरूर भेजा था, कोई लड़का यहाँ से गया था। हम भी बेवकूफ नहीं, हम यही चाहते कि बच्चा ठीक हो जाए। उसने इतना बोला मम्मा मुझे यहाँ से निकालो, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। तो हम लोग फिर दूसरे दिन आए तो देखा टीवी में, ठीक लगा हमने देखा टीवी में, ठीक है। फिर हमने कहा ठीक है, परसों तो बल्कि बहुत अच्छा लगा हमें, हमारे पास वो भी है, हम सब रिकॉर्डिंग करके लेकर जाते थे। वहाँ पे जब देखा हमने बच्चा, हमने कहा एक लड़का उसी टाइम आया, एक लड़का तो उसको खाना खिला रहा, उठा रहा है। मैंने कहा ये बच्चा इतनी क्यों, कहते हैं इसको हमने टीम लीडर बनाया, ये तो बहुत लड़का अच्छा, आपका बेटा बहुत अच्छा है, सबको मोटिवेट करता है, समझाता है। हम खुश होकर कल पहली बार परसूम कर गए कि चल बच्चा हमारा ठीक है, क्योंकि वो बच्चा मेरा ज़्यादा नहीं था, वो सिगरेट में कुछ डालता था उसकी। हमने कहा नहीं इसको हम ठीक करेंगे, बीमार बच्चा है ये, इसको ज्यादा ना लत लग जाए। कितनी जल्दी कार्रवाई की मांग करते हैं पुलिस? मैं कह रही हूँ बहुत जल्दी करें, मेरा बच्चा आ जाए। मैं कह रही हूँ अभी ढूंढो कहीं, मैं तो कह रही हूँ यहाँ पे सब ढूंढो जाकर कोई भी कहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी, उस बच्चे ने इतनी स्लीवलेस पहनी हुई थी यहाँ पे।